धन्यवाद। जय हिंद किसान, जय संविधान। हम तारीख में 26 फरवरी में जो एक ट्रैक्टर की श्रृंखला बना के एक प्रोग्राम हमारा होना है, पूरा देश के एसकेएम ने ये तय करा कि हम एक प्रोटेस्ट दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टर के मुंह करके उसमें हम लोग खड़े करेंगे, श्रृंखला बना के एक लाइन बना के। अब पूरा हरिद्वार रोड जो दिल्ली जा रही है, पूरा सहारनपुर से जो रोड शामली वो दिल्ली जा रही है, जो मुरादाबाद वो, तो इन्हें जितनी भी रोड है जहां पे भी आप कर सकते हो वो करें, शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहें, अपना घर से खाना वरना लेकर आए, सब वहीं बैठ कर खाएं। ये 11 से 3 3:30 और 4 बजे तक सब वापसी हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 4 बजे, 3 से 4 बजे के बीच में सब लोग उसको हटा लेंगे। ये भी एसकेएम ने तय किया है। अपना खाने में अपनी बाकड़ी रखो, अपना पानी रखो, अपना गुड़ चने, अपने घर से खाना बनवा के लेके जाओ, सुहाली पूड़े बनवा के लेके जाओ, उसको बांटने का काम भी करें एक दूसरे से। ये एक विरोध करने का नया तरीका एक निकाल रहा है, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर रहा हो या दूसरा ट्रैक्टर रहा हो, या जो हमारे जितने भी सरकारें गलत फैसले ले रही है किसान और गांव गरीब मजदूर के खिलाफ, ये उत्तर प्रदेश का मामला जो भर्ती हुई है उसमें धांधली रही हो, वो तो सरकार ने वापसी लिया, वे नौजवान साथी अग्निवीर हो, या ट्रकों के खिलाफ जो फैसला आना था ड्राइवर को भी हो, तो इसमें सभी तरीके के मुद्दों का विरोध है। ये तो आप सब लोग इसमें श्रृंखला बना के ट्रैक्टर लेके अपने जाएं, ट्रैक्टर को लाइन में चलावें, जब अपने गांव से स्टेट हाईवे छोटी सड़क पर जाएं तो अपने शांति से जाएं, उसको चलाएं, और वहां पे जहां पे भी जगह मिले, जहां पे भी आपके अध्यक्ष वो उन्हें जगह बांटी है कि किस ब्लॉक के किस तहसील के कहां तक जाएंगे, आप वहां तक ही जाएं, खड़े हो जाएं, एक कग लगा लो, दो दो लगा लो। और प्रशासन से भी हमारे यही कि इसमें कल हमारा 11 से और 3-4 बजे तक सब लोग प्रशासन सहयोग हमारा करें, और केएमपी जो दिल्ली का केएमपी है उसके बाहर रहेंगे, अंदर नहीं उसमें जाएंगे। केएमपी जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उसके अंदर हमारे ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, उसके बाहर तक रहेंगे चारों तरफ। जो आगरे वाला हाईवे है वो बड़ा डेंजर जोन का हाईवे है, तो नोएडा के लोग उसे, आगरे के लोग उसे, उनसे अपील है कि उस पर ऊपर ना लगाए, आप नीचे उसमें साइड में कहीं पे भी लगाए। उस हाईवे को कुछ खतरनाक हाईवे हैं, ये बहुत डेंजरस हाईवे हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर ना लेके जाए, ना उसमें संकलन, क्योंकि उसमें एक साइड में ट्रैक्टर और एक साइड हाईवे नहीं चल सकता। तो इस तरह के छोटे पर जो भी लोग यात्री हो या कोई भी हो, अगर वे रुकते हैं तो उनको खाने पीने का उसका कुछ ना कुछ उनको बांटने का काम करें दे। जब वो लोग देखेंगे हमको कि हम विरोध भी कर रहे हैं और हम खड़े हुए भी हैं, हाईवे चल भी रहे हैं, सब एक साइड के हाईवे चलते भी रहेंगे, तो कम से कम उनको दिखेगा वे कंज्यूमर हैं, वे भी, हम भी एक फसल बेचते हैं तो 40 जरूरत की चीजें हम भी खरीदते हैं, मार्केट रेट पर खरीदते हैं। ये भी बहकाने का एक बड़ा इशू देश में बन रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो उस महंगाई को हम भी झेलेंगे। कोई दालों का उत्पादन करता है तो कोई चावल का उत्पादन करता है, कोई गन्ने का उत्पादन करता है तो कोई सेब का उत्पादन करता है, कोई वेजिटेबल्स का उत्पादन करता है, तो सबको MSP गारंटी कानून देश में बने, यही हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद में जो भी प्रोग्राम होंगे वो आपको अपडेट देंगे। तो पंजाब की घटना हुई, हमारे लोग वहां पर शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, हम उन किसानों के साथ में हैं, अपना हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन वहां पे भी चल रहा, हम उन किसानों के साथ में हैं, और आगे इस तरह की घटना ना हो तो पुलिस प्रशासन से भी है कि बहुत ड्रोन और वो वहां पर चला दिए, उन सब चीजों को बंद करें। हमारे प्रोग्राम अलग तरह के प्रोग्राम चले हुए हैं, जो एसकेएम के प्रोग्राम है, हमारा 14 तारीख को फिर दिल्ली में प्रोग्राम है, वो एक दिन का प्रोग्राम रहेगा, इसी के बीच में हम हरियाणा में जाएंगे, हम पंजाब में जाएंगे, हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, वहां पर अपनी मीटिंगें करेंगे, फिर चुनाव आ जाएगा,
ये चुनावी त्योहार है, फिर अपना लोग अपने चुनाव में उसमें वो हो जाएंगे, लेकिन हम मीटिंग चलती रहेगी हमारी कंटिन्यू। हमारा चुनाव से कोई संबंधित है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिसको वोट जहां देनी वो अपना देते रहे। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सब अपना ध्यान रहेंगे, ज्यादा फोटो के चक्कर में नहीं पड़ना। ये पदाधिकारी है कि फोटो खींचना है, फोटो जो लोग ट्रैक्टर लेकर आए कार्यकर्ता है ये उनके खींचने चाहिए। नेता अपने फोटो के चक्कर में पब्लिक को, जो कार्यकर्ता है, जो गांव से लोग आए उनको ना करें। फोटो उनके आने चाहिए, जो गांव से आते हैं, गांव अध्यक्ष है उनके आने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।